मगर मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात जरूर करूंगा। बताएं सर। मैं इस सारे निजाम में चौधरी निसार साहब को मिस कर रहा हूं। तो चौधरी निसार साहब को क्यों मिस कर रहे हैं सर? अब बस वो मैं शायद आपके प्रोग्राम के जरिए उनको मैं सलाम भेजना चाहता हूं, पहुंच जाए। नहीं, उनको किसने किसने फारिग किया है सर पीएमएलएन से, और क्यों फारिग किया? नहीं नहीं, वो तो खुद उन्होंने नहीं किया, मगर मैं ये चाह रहा हूं कि अगर वो प्रोग्राम देख तो मैं उनको वो तो पीएमएलएन में रहना चाहते थे सर, उनका एक बयान मौजूद है, तो आपके कायद ने उनको फारिग कर दिया सर। फारिग तो नहीं किया, वो तो आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए प्यार मोहब्बत रखते हैं। अच्छा चलें सर, मैं आता हूँ, ये बताएं सर, ये मदरसा आ जाता हूँ, मैं गेट नंबर 4 से याद आया, तो उन्होंने एक दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये गेटों की सियासत हम नहीं करेंगे, हम सीधी जमहूरियत की सियासत करेंगे। आपके कायद ने तो सर वोट को इज्जत दो छोड़ के अब वो किसी और चीज़ को इज्जत दे रहे हैं सर, माजरत के साथ, बुरा ना मानिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे एनालिस्ट भी कह रहे हैं, एंकर्स भी कह रहे हैं, सियासी लोग भी कह रहे हैं, वो कहाँ गया वोट को इज्जत दो? वो वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस पर कायम है और जमहूरियत पे यकीन रखती है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।